Just check out this view, guys. Started as a whisper, message from a new world. So finally, after 3 long days, यहाँ पे धूप निकल गया है fully. तो आज सबसे पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग टाइगर हिल जाएंगे और सुबह सुबह सनराइज देखेंगे, बट सुबह को अराउंड 6:50 को सनराइज हुआ था एंड 6 बजे से ही बहुत ज़्यादा फॉग था और 2 डिग्रीज होकर था, उसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाए सुबह को. बट अभी सनराइज हो गया तो हम लोग सोच रहे हैं कि चलते हैं टाइगर हिल और वहाँ पे जाके घूमते हैं. जितना कुछ हो पाएगा कवर करेंगे, जितना लोकेशंस पे हो पाएगा हम लोग जाएंगे और मज़े करेंगे क्योंकि आज लास्ट डे है. सो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलते हैं फटाफट से. फ्रेश तो हो गया हूँ, ब्रश भी कर लिया, ब्रेकफास्ट भी कर लिया, नहा भी लिया, बस कपड़े चेंज करता हूँ और फिर निकलते हैं हम लोग आज के अपने पहले लोकेशन पे, दैट इज़ गोइंग टू बी द टाइगर हिल. एंड उसके बाद का लोकेशन जो है मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, आप लोग को रास्ते में ही बता दूँगा. सो चलो. ऑलराइट सो गाइस, अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और आउटफिट चेक कर लो. ऊपर ये ब्राउन जैकेट है, अंदर हुडी है, इसके अंदर हुडी के अंदर एक मैंने फुल स्लीव्स वाला टी शर्ट डाला है और नीचे ब्लैक जीन्स फेडेड वाला और शूज़. सो यही आउटफिट होने वाला है और पूरे इस 7 दिन के ट्रिप में मैंने यही शूज़ डाला है. और एक शूज़ मैं लेके आया था बट वो मेरे को लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है. एनी वेज रेडी हो गए, अभी बज रहे 9:30, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं. टाइगर हिल इज़ गोइंग टू बी समवेयर नियर अराउंड 10-15 किलोमीटर्स यहाँ से, 20 किलोमीटर्स, ठीक है. सो इट विल टेक 1 आवर. रोज भी रेडी है, शी इज़ द नेविगेटर. एंड यहाँ पे अपना सामान रेडी है. आज मैंने सोचा है कि बैग कैरी करूँगा क्योंकि पिछला दिन इसके बैग में मेरा जितना भी सामान था वो डाल दिया था तो इसका शोल्डर पेन हो रहा था. तो आज ये बैग मैं ही कैरी करूँगा, बस एक्शन कैमरा माउंट करूँगा और फट से निकलूँगा. तो चलो, आप लोगों से मिलते हैं एक प्यारे से ट्रांजिशन के साथ इन 3, 2, 1. All right, so guys, right now we are all set. So चलो फटाफट से चलते और आप उसे रोड पे मिलते हैं. And the camera is rolling. Location डाल दिया हम लोगों ने, that is we are going to Tiger Hill right now. Okay, चलो self start काम कर गया guys, thankfully. और पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोग को ये जो चढ़ाई है ना, यहाँ का वो चढ़ाई दिखाऊंगा, but unfortunately नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि कैमरा में जो है मेमोरी फुल हो गया था. आज कैमरा में स्पेस बना लिया और ये ऊपर का चढ़ाई देखो. रेडी, पूरा अपराइट है, पूरा अपराइट देखो. लेट्स गो गाइस, चलो यहाँ से पहले निकलते हैं. और बहुत प्यारा धूप निकला भाई, बहुत प्यारा, ठीक है. देख रहे हो चढ़ाई, ये तो बस हमारे होम स्टे से निकलने के बाद वही चढ़ाई है. इसके बाद हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहां पे और भी ज्यादा चढ़ाई मिलने वाला है. रोड इज क्लियर. 2 दिन से वी आर लाइक अंधेरे में थे हम लोग, जब से ये धूप निकला है और रोशनी हुआ, दिस प्लेस लुक्स मोर ब्यूटिफुल एंड मोर अमेजिंग. बस यहाँ पे जो रोड वगैरह थोड़े बहुत उबड़ा खुबड़ा है, बाकी देयर इज नथिंग दैट आई कैन कंप्लेन अबाउट दिस प्लेस. बस एक ही चीज मैं मिस कर रहा हूँ, वो है ये जो स्टीम इंजन वाला ट्रेन है उसको चलते हुए देखना. बस वही चीज मैं मिस कर रहा हूँ दार्जिलिंग में.
अरे शिट यार शिट, हम लोग शायद गलत रास्ते में आ गए। मैप हम देखना ही भूल गया भाई। अबे हम ऊपर देखते देखते भूल गया, हमको लगा कि एक ही रास्ता है, बट यहाँ से शिट यार, एक हम लोग को लेफ्ट लेना था, मैं राइट पे आ गया। चलो यहाँ से एक यू टर्न लेना पड़ेगा और इस बार ही मैप पे पूरा ध्यान देंगे। ऊपर पेड़ और जो व्यू है, जो सीन है, पहाड़ की खूबसूरती को देखते देखते मैं खो गया रास्ते में। रास्ता भटकना भी बहुत नहीं, कभी कभी जरूरी होता है ताकि आपको पता चल सके कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग एक दूसरे रास्ते से आए टाइगर हिल पे, और यहाँ पे हम लोगों को लेना पड़ा पास टाइगर हिल का, विच कॉस्टेड अस समवेयर अराउंड 140। ठीक है, तो नो वरीज, इसको रख दो बैग के अंदर, पास में ही रखना, ठीक है, ताकि इज इट इजिली एक्सेसिबल। सो चलो, यहाँ से सर ने कह दिया कि स्ट्रेट एकदम जाना पड़ेगा टाइगर हिल जाने के लिए। तो गूगल मैप्स, थैंक यू सो मच फॉर डिसअपॉइंटिंग अस वंस अगेन। चलो आ जाओ। सेंचुअल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, तो चलो चलते हैं, और बाकी का जितना भी वीडियोस वगैरह वो सब आईफोन से लेते हैं, ठीक है। तो चलो बाय बाय। And right now, I am at the Tiger Hill. From the hilltop view, I'm going to show you this beautiful piece of Mount Kanchenjunga. Just check this out, guys. This is the Mount Kanchenjunga K2. I'm literally seeing this view. It's crazy. It's clouds everywhere. And there's the snowy mountain hilltop. Crazy, man. Crazy. Such a beauty. Alright, so guys, abhi just hum logon ne dekha Mount K2, Mount Kanchenjunga. And it was looking very fabulous. Plus मेरा हाथ देखो भाई, ठंड से पूरा लाल हो चुका है। मेरा स्किन टोन देख सकते हो और मेरा हाथ का कलर देख सकते हो, इतना ठंड है यहाँ पे। और यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं, उन लोगों से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे सुबह 4 बजे से क्राउड जमा होना स्टार्ट हो जाता है और 6 बजे से जो है व्यू वगैरह देखने को मिलता है, एकदम क्लियर व्यू मिलता है। सो हम लोग कोशिश करेंगे कल सुबह भी एक बार आने का। और यहाँ ऊपर एक शॉप था तो वहाँ से मैंने एक चीज़ ख़रीदा है प्यारा सा, एंड दैट इज़ दिस दार्जिलिंग। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ, क्या बोलते हैं उसको, एक चिन, जस्ट टू रिमेंबर दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ आई वॉज इन दिस प्लेस एंड आई वॉज हियर लुकिंग एट दिस मैग्निफिसेंट माउंट K2। देखू बस, और कुछ बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, सो पीसफुल हो गया। ये सुनने को बाकी था बस। तो यहाँ पे मैगी खा रहे हैं। जो फर्स्ट गाड़ी आता है 4 बजे या कितना बजे आया बोला, तो बोला ये नीचे बोला लेफ्ट पर घूमता देखता है। और उन्होंने कहा कि
पिछले 2-3 दिन पहले ही एक यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, जिसमें एक बाइकर यहाँ से जा रहा था नीचे, तो एक जंगली सुअर ने उस बाइकर को टक्कर मारा, वो बाइकर गिर गया और उसके सर पे चोट लगा एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। सो इट्स वेरी रिस्की टू कम अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरे को तो ऐसा लगता नहीं कि कोई चांस है सुबह को दोबारा हम लोग आ पाएंगे। सो अभी जो भी क्लिप आप लोगों ने देखा, दैट इज ऑल दैट वी कुड गेट ऑफ माउंट K2। यहाँ पे थोड़ी देर और रुकते हैं, देखते हैं अगर एनी चांस, बाय एनी चांस अगर ये जो क्लाउड है ये क्लियर होता है तो फिर हम लोग और एक बार देखेंगे और फिर निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। सो फॉर द टाइम बीइंग अभी चलो इस वेदर को इंजॉय करते और मैगी खाते और फिर निकलते। अभी यहाँ पे हमारा टाइम ख़त्म हो गया है और यहाँ से हम लोग निकलेंगे दूसरे लोकेशन पे। बहुत ज़्यादा मज़ा किया यहाँ पे हम लोगों ने, माउंट कंचनजंगा देखने को मिला यहाँ से, बट ज़्यादा देर के लिए नहीं देखने को मिला। जैसे कि हम लोग आए उसके 5 मिनट तक ही वो विजिबल था, उसके बाद पूरे क्लाउड्स ने टेक ओवर कर लिया और यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो इट्स बेटर टू लीव दिस प्लेस राइट नाउ एंड गो टू आर सेकेंड डेस्टिनेशन, मोर लाइक द सेकेंड लोकेशन। चलो चलो, अरे लेट्स गो। ये है बच्ची को साथ में लाने का यही प्रॉब्लम है, शी स्टिल हैज होप। चलो, फॉग वगैरह हो रहा है सो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। पिक्चर वगैरह भी क्लिक कर लिया है, सब कुछ आप लोग को इंस्टाग्राम में देखने को मिलेगा। अजू बेटे को थे ना उनाले भन्दे जो था हामी रूपा नहीं थे नी उतै तिर उनारको पर्स झर्यो होला त मैले भने कि हामीले त थाहा छैन तर यता जो क्लीन गर्दै थियो उसले भेट्नु सक्छ होला किनकि त्यसले त क्लीन गर्दै थियो नि त उसले पाएला। हामीहरू त फोटो भिडियोहरू क्लिक गर्दै हाम्रो कहाँ अब पर्स हेर्थे यो गर्न त्यही मैले भने उसको सिँग सोध्नु उसले पाएको छ कि पाएको छैन भनेर। भेटाएको छ भने त पाइहाल्छ। उस लोकल बन्दे ने कहा है कि यहाँ पे लेपर्ड्स वगैरह और वाइल्ड हॉग्स, वाइल्ड पिग्स वो सब घूमता है ना। मेरे को डर लग रहा है, सच बोल रहा हूँ, नीचे जाने के लिए, क्योंकि नहीं पता कब किस लेपर्ड का मन कर जाए दिन दोपहरे शिकार करने निकलने के लिए। ये कल बोल रहा था कि शेर का पिंजरा था बोल के दो दो हाथ नहीं लगाया, अब क्या हुआ, अब शेर कौन है, शेर कौन है। अभी शेर तो अभी हम है ही, बट द थिंग इज कि हम नहीं चाहते कि वो जो लेपर्ड या फिर जो भी आए वाइल्ड एनिमल मेरे सामने उसको चोट पहुंचे, तो उसी के लिए उसके सेफ्टी के लिए बस मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि हमारा ऐसा कोई इनकाउंटर हो। अनफॉर्चुनेटली जो एक्शन कैमरा है उसका जो है ख़त्म हो गया है, स्पेस स्टोरेज फुल हो गया तो उससे कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। सो चलो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, बहुत ठंड है भाई, हाथ देखो पूरा जम गया, लाल हो गया पूरा। सो चलो लेट्स गो। ऑलराइट सो गाइस, हियर वी आर एट बतासिया लूप व्हिच इज बेसिकली गोरखा वॉर मेमोरियल। अच्छा अभी हम लोग करा रहे हैं एंट्री टिकट इज फॉर 50 रुपीज ईच। So here's something written about the Darjeeling Himalayan Railway. It's a UNESCO World Heritage Area and यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ का शूटिंग भी हुआ था, आउट ऑफ विच आई नो वन मूवी दैट इज़ बफी। इसके अलावा मुझे और कुछ, मैंने और कुछ ऐसा मूवी देखा नहीं है। कुछ कुछ होता है वो भी है। आशा लूप ज्यादा बड़ा तो नहीं है, has a lot of history in it. These are the names of the people who died. At least यहाँ पे 500 से ज्यादा लोगों के नाम है एंड दिस इज इन मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव सोल्जर्स हु डाइड। दिस इज बताशा लूप फॉर यू गाइस। चलो अभी यहाँ से निकलते, चल के लंच वगैरह करते। नहीं था हमारा दार्जिलिंग का
ट्रिप एंड यहाँ पे आके ये ट्रिप ख़त्म होता है। सबसे ज़्यादा मुझे जहाँ मज़ा आया दैट वॉज द जू एंड टाइगर हिल, एंड उसके बाद अगर कहीं पे जाके मज़ा आया सो दैट वॉज दी मोनेस्ट्री। ये तीन जगह थी जहाँ पे जाके हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अपार्ट फ्रॉम दैट दी एंटायर जर्नी जैसे हम लोग कोलकाता से यहाँ पे आए सो उस जर्नी में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। सो दैट्स ऑल फॉर दिस दार्जिलिंग ट्रिप एंड दार्जिलिंग व्लॉग। सो यहीं तक रखते हैं इस ट्रिप को और यहीं पे एंड करते हैं इस सीरीज़ को। सो आई होप आप लोग को व्लॉग देखकर मज़ा आया होगा यहाँ तक। अगर चैनल पर नहीं हो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसे व्लॉग्स के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग। पीस आउट। DDLC का शाहरुख खान नेपाली वर्जन। ओह माय गॉड।